मैं फादर स्टीफन अपने पादरी अजय तो इन्हों की मिसिज और बाकियों लैके जिन्हों इन्होंने सट्टा लाइया ने उन्होंने होस्पिटल दाखिल करा दिता गया। मैं असी प्रार्थना करके चर्च विचों वापस आ रहे सी। इस चौंक दे विच सानू कमल बख्शी ते उहदे मुंडे और गुंडे बदमाश पास्टर सावर ते उन्हां दे गुंडे बदमाश ड्राट लैके ते हाकियां लैके साढ़े ते जानलेवा हमला किया। साढ़े सट्टां लगियां ने और मैं भी होस्पिटल जा रहा हाँ ते साढ़े पादरी सपान ते इन्हां दी मिसिज नूं भी मारिया और फोन खो के वीडियो बना रही सी ते फोन खो के उन्हूं मारिया ते तोड़िया और गड्डी दे उत्ते साढ़े ते बंदे जिहड़े बैठे लड़के क्या ड्राट जे मैं गाड़ी ड्राट ना फड़दा चार बंदे मैनू मारन दे ही इत्थे जे मैं ड्राट ना फड़दा मैनू मार देना ही जिम्मेवार कौन मेरा सीधा सिर ते मारिया मैं बांह करती मेरे बाद बचा चलो ठीक कमल बख्शी आप आया उन्हें आके आन के साढ़े थप्पड़ मारे सानू पता भी नहीं खलो के गल कर ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰੀ ਹੈ असी भी अपनी रिपोर्ट देनी है कि असी चर्च गए सरकारी तरीके दे नाल असी उत्थे प्रार्थना करके आए हैं। साड़ी ये रिपोर्ट है कि असी उत्थे गए यह पादरी सपान उत्थे चर्च लाउंदे ने जो करना डिसीजन तुसीं लैणा साड़ी कमल बख्शी नाल नहीं गल उहने तुहाडी ड्यूटी लई साड़ी सरकार ने ड्यूटी लई ठीक है जी। हाँ असी सरकारी तरीके नाल अपनी रिपोर्ट देनी है क्योंकि साड़ी रिपोर्ट जिहड़ी उह बंदा करना ही पौंदा है। साढ़े पादरी पादरी अजय पादरी एक पादरी स्टीफन और पादरी अजय की वाइफ मनप्रीत और कुछ उन्होंने नाल सेवकार जो गए हुए सी और एक गड्डी सी जो अही इन्होंने नाल भेजी हुई सी और उस गड्डी नूं भी इन्होंने अज तोड़िया भारी तलवारां नाल लैस हो के हथियारां दे समेत कमल बख्शी ने और उसके मुंडे अरनम तो उन्होंने नाल सावर कुछ ऐसे व्यक्ति नाल बलविंदर इन्हां खिलाफ़ पहला भी कई एक्शन कई दरखास्तां एस डी एम साहब नूं भी दित्तियां एस एच ओ साहब नूं एस एस पी साहब नूं भी दित्तियां पर हाले तक भी इन्हां ते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अज मिती 19 नूं साडे पादरी साहिबान जो ऑल सेंट चर्च सिविल लाइन में प्रार्थना की मीटिंग में गए हुए सी और प्रार्थना की मीटिंग अटेंड करन तो बाद उन्हां ते भारी हमला होया और गड्डी नूं भी तोड़ भन की गई भारी हथियारों नाल लैस हो के और गन्स नाल गैर कानूनी गन्स लिया के उन्होंने भारी हमला किया जिन्हां मुताबक अज इन्हां खिलाफ साडी मांग आ ये कमल बख्शी उसका मुंडा अरनव साबर एक जाली पास्टर बनया ते एक बलविंदर जो मैथोडिस्ट आ कहिंदा मैं एक पादरी इन्हां सारयां दे नाल सियासत नाल रंजिश नाल अज भारी हमला होया जिहदे मुताबक असी कानून अगे मंग करने कि इन्हां खिलाफ़ सख्त तो सख्त धारा के अधीन जो पादरियां दे लिबासां दी बेअदबी बाइबलां पाड़ियां गईयां जो इन्हां दे लिबासां नूं पाड़िया गया और भारी हमला करन तो बाद माय आर्चबिशप इंडियन प्रोजेक्ट कैनबरी एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया जिस दे कंट्रोल दे अंडर ये चर्च आ ट्रस्ट शाहतूर एजुकेशनल ट्रस्ट दे अंडर आ जो इहदी केयर टेकिंग करदा और एक कमल बख्शी प्राइवेट बंदा वा ये प्राइवेट बंदे जिहड़े आ इस चर्च की प्रॉपर्टी नूं सियासी पार्टियां नाल मिल के हड़प्पण की चाल विच सी जिन्हां मुताबक साढ़े पादरियां उत्ते नजायज़ हमले करते हैं इन्हां खिलाफ़ कानून अगे ही भारी मंग डीसी साहब और एस एस पी साहब अगे भी भारी मंग करने इन्हां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए जेकर पुलिस प्रशासन ने इन्हां खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई ना की तो गुरदासपुर शहर में भारी इल्जाम लगनगे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पटीशन वाला पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। की नाम अपना जी मनप्रीत ये ढाडे से जो हमला होया वा ये कितने होया वा तो क्यों होया वा फिश पार्क के सामने जिहड़ा चर्च है ना ओल साइन जिहड़ा चर्च है उस चर्च के असं प्रार्थना करके वापस आ रहे थे मेरे हसबैंड भी अजीम से
ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਪਾਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰਨ ਪਾਸਟਰ ਸਾਵਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ 10-12 ਜਣੇ ਹੈ 10-12 ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ